हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे गुजरात के 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक करना मत भूलना। गुजरात में तैयार होंगे 11 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कहाँ कहाँ और कितनी ज़मीन उसमें आवंटित हुई है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। गुजरात में 11 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अगले 5 सालों में इन 11 एयरपोर्ट का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इससे गुजरात के साथ देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों का एयरपोर्ट संपर्क काफ़ी अधिक बढ़ने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टर्स से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल दिसंबर में ही गुजरात सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ एक करार किया है। इस करार में सिर्फ नए एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि पुराने एयरपोर्ट का विकास की भी बात की गई है। हाल ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और पिछले महीने ही इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। गुजरात में वर्तमान में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भुज, भावनगर, जामनगर, पोरबंदर, कंडला, हीरासर, दीव ऐसे 11 एयरपोर्ट है और नए प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स अंकलेश्वर, मोरबी, राजपिपला, बोतल, द्वारका, धोरदो, राजूला, दाहोद, अंबाजी, धोलावीरा, पालीताना ऐसे 11 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किए जाने की संभावना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किसे कहते हैं। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उन एयरपोर्ट्स को कहते हैं जहां पहले से ही कोई निर्माण कभी नहीं हुआ हो, यानी शहर से बाहर वह जमीन जो अभी तक विकसित न हुई हो। आमतौर पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण मुख्य एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए किया जाता है। इन एयरपोर्ट्स को शहर से बाहर तैयार किया जाता है ताकि ट्रैफिक पर एयरपोर्ट की वजह से अधिक प्रभाव ना पड़े। गुजरात में जिन जगहों पर 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित दिया गया है उनमें से अधिकांश औद्योगिक या फिर अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इन जगहों का विमान संपर्क बढ़ जाने से निश्चित रूप से पर्यटन के साथ साथ व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, जानते हैं किस एयरपोर्ट को कितनी जमीन आवंटित हुई है। गुजरात में 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण होना है, जिसमें से 8 एयरपोर्ट के जमीन को चिन्हित और 3 एयरपोर्ट को आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा 2 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनके लिए अभी तक जमीन चिन्हित नहीं किया गया है, जैसे कि बोतड़ में 190 हेक्टर, द्वारका में 132 हेक्टर, धोरदो में 500 हेक्टर, राजूला में 80 हेक्टर, दाहोद में 408 हेक्टर की जमीन चिन्हित की जा चुकी है और अंकलेश्वर 80 हेक्टर, मोरबी 90 हेक्टर, राजपिपला 37 हेक्टर की जमीन आवंटित की जा चुकी है और जल्द ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन पालीताना ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां एयरपोर्ट के लिए जमीन आवंटित नहीं की जा सकेगी, हालांकि इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर अंबाजी और धोलावीरा में एयरपोर्ट के लिए जमीन अभी तक चिन्हित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ भावनगर, कंडला, पोरबंदर, वडोदरा और केशोद एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी AAI ने राज्य सरकार से जमीन की मांग की है। मेहसाणा, अमरेली, मांडवी में एयर ट्रिप्स का भी विकास किया जा सकता है। दोस्तों, तो ये था गुजरात के 11 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट और लाइक करना मत भूलना।